गाइज़ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज़, काफ़ी दिनों के बाद अच्छा लग रहा है कि रूम थोड़ी सी खाली खाली सी लग रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ का सामान कहाँ गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर का फॉल सीलिंग भी हो गई है और कलरिंग भी चल रहा है, तो इसी वजह से कलरिंग कंप्लीट कर दिया है एक रूम का उन्होंने। और कलरिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को साफ़ सफाई करके भी दे दी थी एक रूम। तो इसी वजह से यहाँ का सामान सारा जो एक्स्ट्रा सामान था वो हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और अभी ये भी रूम हमें 1-2 दिन में खाली करनी ही है। बेडरूम का भी फॉल सीलिंग बाकी है, लिविंग रूम का हो गया है, किचन का बाकी है, पैसेज का बाकी है, सारी जगह का नीचे का बाकी ही है। तो इसी वजह से वो अभी नीचे आने वाले हैं काम करने के लिए, तो हमें ऊपर शिफ्ट होना होगा। तो 1-2 दिन हम यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि जब तक वो किचन का करेंगे या पैसेज का करेंगे तब तक हम 1-2 दिन रह सकते हैं बेडरूम में ये। और उसके बाद ऊपर वाले बेडरूम में शिफ्ट होना पड़ेगा, जो माही की रूम है। वहाँ पर भी आपको दिखा दूंगी कि मैं कैसे सेट किया है हमने। तो यहाँ पर चल रही है एक्चुअली माही के ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मुझे वही करना पड़ता है सबसे पहले, क्योंकि अभी काम चल रहा है। तो पूरे घर में कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर वो टेंशन फ्री होकर आराम से ऑनलाइन क्लासेस ले सके, इसीलिए मुझे सुबह सुबह जल्दी उठ के उसका सेटअप रेडी करके देना पड़ता है। और यहाँ पर बेड ठीक करके उसका सेटअप ये रेडी करती हूँ, और उसके बाद यहाँ पर वो आराम से ऑनलाइन क्लासेस लेती है अपने। पूरे 2 दिन के बाद आपसे बात कर रही हूँ, और हाँ अभी भी फ्रेश हुई हूँ, नहा लिया है। बट 1 दिन तो खाना खाने के बाद मैंने ब्लॉगिंग ही नहीं की, उसके 2 दिन तो इतनी बिजी रही कि डिज़ाइन वगैरह देना पड़ा, फिर उसके बाद कुछ कुछ सिलेक्ट करना पड़ा, तो जो टेक्सचर हमें बनाना है वो सिलेक्ट करना पड़ा, उसके बाद फिर क्लीनिंग और ये वो, तो मुझे ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं किया। और आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि मैंने सोचा चलो आज कैमरा उठा ही लिया फाइनली, मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। और हाँ, कोविड के कितने सारे पेशेंट बढ़ रहे हैं यार, मैंने सुना है अभी लॉकडाउन भी दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। ये न्यूज़ सच है या झूठ मुझे नहीं पता, बट मैंने सुना है ऐसे कि लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है। ये कोविड की सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्यूनिटी का ध्यान रखना अपने। मुझे अभी इतना ज़्यादा टेंशन आ गया है इस चीज़ों से कि मैं हमेशा यही देखती रहती हूँ कि किस चीज़ से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो हम लोग काढ़ा ले रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं एक दिन ना ऐसे ही ऑनलाइन कुछ मेथड देख रही थी हमारी और हमारे फैमिली की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। वहाँ पर मैंने एक मेथड पढ़ा कि जो हमारे गैजेट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑफिस में या घर पे जो गैजेट हम लोग यूज़ करते हैं, उससे भी जो रेडिएशन निकलती है ना, वो हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो उस टाइम मुझे लगा कि यार हम लोग तो हमेशा ही गैजेट यूज़ करते रहते हैं, मतलब हमारे बच्चे भी अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उनको भी गैजेट्स यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, टीवी पर भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, स्मार्ट टीवी पर, इन सारी चीज़ों को तो हमें यूज़ करना ही पड़ता है। स्कूल तो अभी जा नहीं रहे हैं बच्चे, तो घर पे ही क्लासेस लेनी पड़ेगी, और क्लासेस तो हम लोग बंद कर नहीं सकते हैं, और ये गैजेट यूज़ करना भी हम बंद नहीं कर सकते। और इन गैजेट्स में से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियंस होती है वो हमारे बच्चों के दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, मतलब ऊपर की परत जो है हमारे बच्चों के दिमाग की वो हमसे बहुत ज़्यादा पतली होती है, और इसी वजह से उनको बहुत जल्दी नुकसान होता है इन सारे गैजेट्स से। और आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे सही से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं अपनी पढ़ाई में, और जो उनको पढ़ाया हुआ होता है वो भी याद नहीं रख पाते हैं, और जल्दी से इरिटेट होते हैं, लेट नाइट जागते हैं, मतलब काफ़ी देर तक उन्हें नींद नहीं आती है। ये सारी चीज़ें उन गैजेट्स की वजह से होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं, उनमें से जो रेडिएशन निकलते हैं उस रेडिएशन से ही ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए मैंने माही के हेल्थ के लिए मोबाइल इन्वायरो चिप ऑर्डर किया है। ये चिप रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट को ख़त्म करता है और हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होने देता। तो इस इन्वायरो चिप की पैकेजिंग कुछ इस तरह से होती है, बस इसे इस तरह से निकालना होता है, और बस उसके पीछे का जो स्टिकर है उसे रिमूव करके इसे अपने मोबाइल या कोई भी गैजेट्स पे अपने इसे स्टिक करना होता है। इस तरह से मैंने ये मोबाइल का लिया था, इसीलिए अपने मोबाइल पे इसे स्टिक कर रही हूँ। आप जिस गैजेट्स का लोगे आप उस गैजेट्स पर इसे स्टिक कर सकते हो। इसी पर माही ऑनलाइन क्लासेस लेती है, इसीलिए मैंने ये मोबाइल का ऑर्डर किया था। बस अभी मैंने स्टिक कर दिया है इसे और ये अपना वर्क करने लगेगा, और मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ मोबाइल से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशन से। इस इन्वायरो चिप से आपके मोबाइल में कोई नुकसान नहीं होगा, जैसे आपका मोबाइल पहले चलता था वैसे ही चलेगा, कोई वाईफाई नेटवर्क में या कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इन्वायरो चिप क्लिनिकली टेस्टेड है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड भी है, और ये इन्वायरो चिप अलग अलग वाईफाई डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, जैसे कि मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ, और जो हम लोग वाईफाई राउटर यूज़ करते हैं उसके लिए भी ये अवेलेबल है, स्मार्ट टीवी के लिए अवेलेबल है, और ये टैबलेट के लिए भी अवेलेबल है। मतलब आपके घर में कोई भी गैजेट हो आप अलग अलग गैजेट के लिए इसे यूज़ कर सकते हो, अलग अलग गैजेट के लिए आपको अलग अलग परचेस करना पड़ेगा।
तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हो। आपके घर में कोई भी गैजेट हो जो बच्चे यूज़ करते हैं या आप यूज़ करते हो, उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, इसीलिए प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि चलो मैंने अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए थोड़ा सा कुछ कर दिया है, मतलब जिससे हमारे बच्चे थोड़े से सेफ रहेंगे इन गैजेट्स की वजह से, मतलब जो हार्मफुल रेडिएशन निकलती है इनसे। और कभी कभी अद्विक भी यूज़ करता है मतलब मोबाइल कुछ कॉमेडी वीडियोज़ देखने के लिए। आप लोगों को तो पता ही है कॉमेडी वीडियोज उसको कितने ज़्यादा पसंद है। अभी मेरा डर खत्म हो गया है, फिर भी मोबाइल वगैरह ज़्यादा बच्चों को नहीं देना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग देते हैं तो इसके लिए ये सोल्यूशन तो है ही। एक्चुअली हम लोग आए थे पेंट सिलेक्ट करने, मतलब कलर चूज़ करने कि कौन सा कलर कौन से रूम में लगाना है, तो ये इसी के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। और ये बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है यार, मतलब हम लोग सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, मतलब हम लोग खुद ही कर रहे हैं, कोई आर्किटेक्ट वगैरह नहीं रखा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हेडेक का काम है ये भी। मतलब कौन सा कहाँ पर अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन का काम रहता है। और यही सिलेक्ट करने आए थे तो हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे हर एक रूम में, हर एक रूम का टेक्सचर का कलर और बाकी का जो कलर होता है वो सिलेक्ट कर रहे थे। तो ये वही बता रहे थे मुझे कि कौन से रूम में कौन सा कलर रहेगा, तो बस हम लोग दोनों मिलके हम लोगों ने सिलेक्ट किया कलर। और कौन सा कलर कौन से रूम में लगेगा तो ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। और ये कुछ टेंसिल्स की डिज़ाइन है तो कुछ जगह पे टेंसिल्स के टेक्सचर बनेगा, तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि टेंसिल्स भी ले ही लेते हैं अभी, तो इसीलिए ये टेंसिल्स देख रहे थे। इसमें से हमने दो टेंसिल्स लिए थे तो ये मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये भी एक पसंद आ गई थी बट ये हमने ली नहीं, दूसरे टेंसिल्स लिए हैं दो, तो वो टेंसिल्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगी या तो फिर टेक्सचर हो जाने के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको अभी जो जो काम हुआ है वो देखना है या पूरा होने के बाद ही देखना है, मतलब अगर आपको बीच में देखना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी। और अगर आपको फाइनल होने के बाद ही जो होम टूर है वो देखना है तो वो भी मुझे बता देना, मैं डायरेक्ट ही आपको साथ शेयर करूँगी। तो ये मुझे एक पसंद आ गई थी, उसके बाद एक और टेंसिल है वो निकाल के रखी उन्होंने, वो मुझे पसंद आई थी, तो ये हमारे पेंटर हमें बता रहे हैं कि ये अच्छी लगेगी, तो इसीलिए ये हम लोगों ने दो टेंसिल लिए थे। और उसके बाद फिर हम लोग घर पे चले आए थे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेडेक का काम होता है यार, कुछ जगह पे टेक्सचर वगैरह है ना, तो इसी वजह से टेक्सचर भी बहुत सोच समझ कर सिलेक्ट करना पड़ रहा है, और उसके जो शेड है और टेक्सचर में भी शेड भी करने पड़ते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन का काम हो रहा है हमारे लिए। तो इसमें ही बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं आजकल, इसी वजह से रेगुलर व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। ये सारा कुछ ख़त्म हो जाने के बाद मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी, तो कुछ दिन आप एडजस्ट कर लीजिए, कुछ दिन आप सपोर्ट करिए। यहाँ पर अद्विक सो गया और माही भी सोने के मूड में ही है। एक्चुअली हम लोग निकल चुके हैं ससुराल जाने के लिए, हम लोगों का कभी भी मूड हो जाता है ससुराल जाने का और कभी भी निकल जाते हैं हम लोग। घर पे बात ही नहीं कर पाई आप लोगों से, मैंने सोचा चलो आप लोगों के आंसर दे देती हूँ, क्योंकि आप लोग काफी सारे लोग पूछ रहे हो कि मैंने जीजू को गिफ्ट क्या दिया है, तो आप उनके मुझसे सुन लो यार गिफ्ट क्या दिया है। मैंने बहुत बार बोला उनको गिफ्ट लेने के लिए, बट ये उस दिन पता है आपको मैक्स में गए थे हम लोग, मैक्स में भी इनको बोला कि कुछ ले लो आपके लिए, मतलब मैक्स में एक्चुअली इनका गिफ्ट लेने के लिए गए थे, बट इनको वहां पर कुछ भी पसंद नहीं आया, इन्होंने उल्टा मुझे ही दिला दिया। मैंने आपको वो भी नहीं दिखाया शॉपिंग, मेरी मैक्स की शॉपिंग भी आपको दिखाना बाकी है, बट आपको कल के ब्लॉग में शायद मैं दिखा दूंगी मैक्स की शॉपिंग। और इनके लिए जो गिफ्ट लेने गए थे हम लोग, तो इन्होंने गिफ्ट कुछ भी लिया नहीं, ये निकाल दो मिनट के लिए आवाज नहीं आएगी, तो इनसे पूछ लीजिए गिफ्ट क्या दिया है। मैंने तो फिलहाल तो गिफ्ट मैंने कुछ लिया नहीं है, अभी मेरा गिफ्ट इनके तरफ बाकी है, जब भी जरूरत पड़ेगा मैं उनसे ले लूंगा। अभी क्यों नहीं लिया, लेकिन अभी लेना चाहिए था ना, अभी आपका बर्थडे था तो बर्थडे पे लेना चाहिए था आपने कुछ गिफ्ट। मुझे इनको गिफ्ट नहीं लेना था, तो फिर भी इनका गिफ्ट मेरी तरफ बाकी है, जब भी इनका दिल चाहे, जब भी ये कुछ मांगे मुझसे, मांगेगे तो नहीं, मैं इनसे मांगती रहती हूँ हमेशा, ये जब भी इनको कुछ लेना होगा तो मैं इनको लेके दूंगी अपनी तरफ से। तो अभी तो मेरा गिफ्ट फिलहाल बाकी है, पता नहीं अभी नेक्स्ट बर्थडे को इनको गिफ्ट मिलेगा क्या कि बीच में मिल जाएगा, तो जो भी मैं दे दूंगी इनको तो आपके साथ शेयर करूंगी ही। आपने मेरे जन्मदिन पे इतनी सारी विशेष किए और इतनी सारी अच्छी कमेंट के लिए थैंक यू सो मच, ऐसा ही प्यार और सपोर्ट हमें करते रहना। मेरी तरफ से भी बहुत बड़ा थैंक यू आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी ने इतने सारे विशेष किए, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इस बार मैंने सारे के सारे विशेष इनको पढ़ के सुनाया और इनको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि इनका बर्थडे इस बार आपने बहुत ज्यादा स्पेशल बना दिया है।
आपके इतने प्यारे प्यारे विशेष की वजह से इस साल का भी बर्थडे इनका बहुत ज्यादा स्पेशल हो गया है, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसके साथ मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप इस चैनल पे अगर न्यू हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इंस्टा पे आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे भी फॉलो कर देना। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड।